नमस्कार दोस्तों, फिर एक न्यू फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम कह सकते हैं कि एक बेकार कबाड़ पड़े हुए पावर बैंक को यूज करके हम एक ज़बरदस्त इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमको ए वाला जो एलईडी है इसका यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे वाला एलईडी हम यहाँ पर चार यूज करने वाले हैं और साथ में एक रेजिस्टेंस का यूज भी करेंगे। आप कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, तो कलर कोडिंग के हिसाब से इसको ला लीजिएगा, क्योंकि एक कलर कोडिंग के हिसाब से ही मिलता है। तो ए रेजिस्टेंस यूज करेंगे कि हमारा जो बल्ब है उस पर ज़्यादा जोर नहीं पड़े, और ऑन आपका स्विच का यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा इमरजेंसी लाइट ऑन और ऑफ होगा। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको कभी भी डीसी पे काम करना होता है तो हमको प्लस और माइनस का ध्यान देना रहता है। तो यहाँ पे अच्छे से हम दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो कि छोटा सा होल दे रखा है, तो ए वाला जो टर्मिनल है हमारा ये माइनस का है, और जिधर सिंपल है मतलब कोई भी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी जो है कि होल नहीं दे रखा है, तो ए वाला हमारा प्लस है। तो ए प्लस माइनस मालूम हो गया। तो इसको इसी प्रकार से हम पार्लर में इसका कनेक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर फेविक्विक का यूज करके पहले जो है कि एलईडी को सेट कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हम अपने हिसाब से यहाँ पर कर रहे हैं। और आपके घर में कोई सा भी पावर बैंक है जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है तो उसको फेंके नहीं, उसका यूज करके आप एक ज़बरदस्त बना सकते हैं, जो कि इसका बैकअप भी बहुत अच्छा रहता है। एक बार चार्ज करेंगे तो 4-5 दिन तो आराम से चलेगा। वैसे अगर कंटिन्यू आप जलाते हैं, मतलब पूरा नाइट जलाते हैं, तो आपको समथिंग 48 घंटे तक इसका जो है कि बैकअप मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि ग्लो हमारा फेविक्विक का काफ़ी जम हो गया है, इसको अच्छे से हम खोल ले रहे हैं। यहाँ पर तो ओपन हो गया, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ा बट हो गया। तो यहाँ पे इसका होल थोड़ा बंद हो गया है, तो इसको हम अच्छे से निकाल दे रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप भी ये घर पे कर सकते हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत सोल्डिंग आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, और जो कि बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसको मैं आपको बना के जो है कि इमरजेंसी लाइट और इसको चेकअप भी करके दिखाऊंगा, तो बस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम एलईडी को यहाँ पर जो है कि ग्लू के मदद से लगा दे रहे हैं, और जो एलईडी हमको जहाँ पे चाहिए तो प्लस और माइनस का ध्यान देते हुए इसको लगा देंगे। तो सभी का जो प्लस पॉइंट है एक तरफ होना चाहिए और जो माइनस है वो एक तरफ होना चाहिए। तो ये हमको यहाँ पे इस तरीके से हम कर लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, सभी एलईडियों पे हल्का हल्का जो है कि रंगा का यूज कर लेंगे, क्योंकि ये पहले करके रखेंगे ना तो सोल्डिंग करने में बहुत इजी हो जाता है। तो थोड़ा सा ऐसे जो है कि पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कभी भी सोल्डिंग करते टाइम पेस्ट अच्छे से लगाएंगे तो जो है कि वहाँ पर सोल्डिंग भी अच्छे से पकड़ेगा, जो है कि उसका कनेक्टिविटी जो है बना रहेगा और अच्छे से यहाँ पे रंगा जो है हमारा चढ़ जाएगा इसके ऊपर थिंबलों की। तो बारी बारी से जितने भी एलईडी आपको लगाना है उसमें ऐसे हम यहाँ पे पेस्ट लगा देते हैं, और पेस्ट लगाने के बाद जो है कि इस पर हम रंगा चढ़ाएंगे। तो साथ में इसको भी चढ़ा लेते हैं। तो आप इस तरीके से पेस्ट लगा के जो है कि कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हो जाता है सोल्डिंग के टाइम काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसको पहले कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बल्ब ऐसे लेके हम थोड़ा जो है कि रंगा पहले चढ़ा लेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे जो कि लगाना चाह रहे हैं, देखिए कितना अच्छे से लगा है। इसी तरीके से आप बारी बारी सभी वीडियो पे अच्छे से आना लगा लेंगे, तो लास्ट में जो है कि सोल्डिंग करने में आपका बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पेस्ट ज़्यादा यूज करेंगे तो भी सोल्डिंग में प्रॉब्लम होता है, तो हल्का पेस्ट लगाएगा, देखिए जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पे सोल्ड हो रहा है। ऐसे हम रंग लगाए हैं, बारी बारी से सभी पर रंग लगा के फिर इसको फिक्स कर लेंगे। फाइनली हम जो कि सारे वीडियो पे रंग लगा दिए हैं, और हम इसको अच्छे से देखिए जो कि प्लस एक तरफ और माइनस एक तरफ ग्लू की मदद से चिपकाएंगे। तो कुछ इस तरीके से उसको फिक्स कर लेते हैं बार बार से। ग्लू का यूज आप थोड़ा थोड़ा दीजिएगा, और माइनस एक तरफ और प्लस एक तरफ इस तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ पे चार लेडी यूज करेंगे, क्योंकि चार लेडी से अच्छा लाइट भी आएगा और बैकअप भी अच्छा ही आएगा। तो ऐसे प्लस और माइनस का ध्यान देते हुए इसको फिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से आप लेडी को लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद इसका कनेक्शन बहुत ही सरल हो जाता है। कनेक्शन हम करके आपको दिखाएंगे, तब तक आया तब तक यहाँ पर जो है आप कहीं यूज करेंगे बीच में इसको लगा लेना है, और इसको 5 मिनट तक जो है कि सुनने के लिए छोड़ जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट की छोड़ेंगे तो इसका जो है कि एक्टिविटी जो है कि बहुत अच्छे से हो जाएगा और लेडी हमारा अच्छे से इसमें लग जाएगा, फिर जाएगा। तब तक 5 मिनट वेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो कि प्लस प्लस और माइनस माइनस हम कनेक्शन कर देना है, तो ये हमारा प्लस है
यहाँ से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। पहले हम इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे। साथ में इसका भी कनेक्शन करेंगे प्लस प्लस का माइनस माइनस का। तो फाइनली इसका कनेक्शन करेंगे और पहले वायर में थोड़ा रंगा चढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रंगा चढ़ा लेंगे तो इजी हो जाता है। और कभी भी सोल्डिंग करें तो पहले ही रंगा चढ़ा लें, इससे बहुत ही इजी से सोल्डिंग हो जाता है वहाँ पर। और अब इन दोनों वायरों को एक साथ हम कनेक्शन करने वाले हैं। कुछ ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर ऐसे करेंगे इसका कनेक्शन। ग्लू निकल जा रहा है, इसको कनेक्शन करने के बाद अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कनेक्शन निकाल लेते हैं और उसको बाद में जो है कि ग्लू की मदद से अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि फेविक्यू से नहीं आ रहा है तो पीवीसी ग्लू से उसको हम लगाने वाले हैं। इस पर फेविक्यू जो है अच्छे से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो है प्लस है बार का, बार बार का जलने की वजह से अच्छे से नहीं हो रहा था। तो इसको अच्छे से पेस्ट लगाएंगे और फिर इसका कनेक्शन करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हो गया और ऐसे ही बारी बारी कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और एक वायर यहाँ से लेंगे जो कि अनऑफ से अनऑफ स्विच जो लगाया यहाँ से, और प्लस का यहाँ से जो ऑन कर दिया, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस और इसका प्लस। और एक यहाँ से लेंगे जो कि हमारा कंट्रोल होगा इससे, तो ये दोनों वायर्स को हमको यहाँ पर अटैच करना है। तो इसको यहाँ पे हम जोड़ लेंगे अच्छे से, इसको एक साथ ऐसे घुमा देंगे क्योंकि इसका जो है कि पकड़ एक साथ बना रहेगा, तो ऐसे करके यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा जो है प्लस का हो गया है और माइनस का यहाँ पर चारों LED में माइनस दे देंगे तो हमारा जो है कि कंप्लीट हो जाएगा पूरा वायरिंग इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ मार्क करेंगे दोनों को और यहाँ से यहाँ जो कि अटैच कर देंगे। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पर जो कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। और ये छोटा सा लेंगे और ये दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये जो वायर दिखाई इसको अच्छे से लगा के फिट करेंगे, देखने अच्छा लगे तो ये प्रवाह इसको अच्छे तरीके से अटैच करेंगे। ये हमारा माइनस का है, प्लस कंप्लीट हो गया। और जो कि पूरा लाइन कंप्लीट हो गया यहाँ से, हमको इसको अच्छे से यहाँ पर अटैच करना है। और इसको यहाँ पर रंग पड़ा रंग दिया इस तरीके से, जो कि आप भी यहाँ पर इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं जो कि बहुत ही आसान था। अब भाई इसको टेस्ट करने का, तो सो गाइज देख सकते हैं कि टेपिंग करने के बाद कितना अच्छे से पीछे से कुछ बैक साइड से इस तरह दिखता है और आगे से कुछ ऐसा दिखता है हमारा इमरजेंसी लाइट। तो अब बारी है इसको चेकअप करने का। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कितना अच्छे से जो है कि ग्लो करेगा अभी। तो एक यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त यहाँ पे इमरजेंसी बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि, तो आपके मन में एक सवाल होगा कि इसको चार्ज कैसे करेंगे, तो फिलहाल हम यहाँ से चार्ज कर लेंगे इसको। बट अगर आप इसमें चार्ज करने का जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो आप ए प्लस है और ए माइनस है, तो आपका जिधर भी प्लस माइनस है उसको ध्यान दे के ₹5 में चिपटा वाला पिन मिलता है जो कि चार्जिंग का, और एक डाइवोट से कनेक्ट करके आप उसको चार्जिंग बना सकते हैं जो कि इजीली उससे चार्ज होता रहेगा।